अंदर गणेश जी की फोटो है, गणेश जी की फोटो भी बहुत प्यारी लग रही है। अगर आपको इस पर यूवी प्रिंट करवाना हो जिससे कि ये और भी ज्यादा उभर के आएगी, तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर करवा सकते हैं। इनका बहुत ही शानदार डिजाइन एक तैयार किया गया है, बहुत ही बढ़िया। आप अपने हिसाब से भी कोई से भी भगवान की कोई से भी आप किसी भी तरीके से आप डिजाइन अगर बनवाना चाहते हैं, चाहे वो वॉल पैनल हो चाहे सीलिंग पैनल हो, आप कुछ भी बनवा सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ मेहराब तैयार की गई है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ, अभी इनको मंदिरों में लगाया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप, भव्य मंदिर एकदम बहुत ही शानदार फोटो लगी हुई है लक्ष्मी जी की, गणेश जी की। ऊपर जो थीम दी गई है वो है राम मंदिर की, टाइल्स बना बना के तैयार किए गए हैं, जिसको मंदिर के अंदर पिलर के रूप में मेहराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिनिशिंग के साथ चिपकाया जा रहा है, पूरी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। और काफी घंटों लगते हैं एक एक यहाँ पर इस चीज को कार्विंग होने में। ये मशीन लगातार कई कई दिनों तक चलती रहती है, तब जाके फिनिशिंग में बहुत ही अच्छी जान आती है। बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर, बहुत ही अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, हर किस्म से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ पर आपको एसएस का भी काम दिया गया है, एसएस का काम इस तरीके का शानदार काम बहुत ही कम देखने को मिलता है। गाइस आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ कीर्ति नगर में आई प्योर, जहाँ पर आपको एक से एक बढ़िया डिजाइनर कोरियन मंदिर मिलने वाले हैं। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है जिससे कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कुछ भी बनवा सकते हैं यहाँ पर, बहुत आसानी से बन जाता है कोरियन में। चाहे वो वॉल पैनल हो, चाहे वो मंदिर हो, सीलिंग पैनल हो, या फिर कोई भी पोर्ट्रेट, किसी भी तरीके का आप कोरियन में काम करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से हो जाता है। और बहुत ही अच्छे प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, ऐसे प्राइस जो पूरे इंडिया में कोई नहीं दे पाएगा, आपको इस तरीके की प्राइस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आइए मैं इनका शोरूम विजिट करवाता हूँ आपको, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी विजिट करवाऊंगा, वो बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको इनका शोरूम विजिट करवाता हूँ। इनके नए नए डिजाइन यहाँ पर शोरूम में रखे गए हैं, आइए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये देखिए बहुत ही ज्यादा शानदार अच्छे अच्छे यहाँ पर डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरे कार्विंग में रहने वाले हैं। कार्विंग के साथ साथ यहाँ पर एलईडी का काम किया जाता है, और मेहराब में आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया डिजाइनिंग की जाती है यहाँ पर, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे मंदिर में आपको बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। पूरे स्पेस के साथ दिया जाता है जिससे कि आप अपने जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं मंदिर के साथ के, वो आसानी से रख सकते हैं यहाँ पर। आप मंदिर में मूर्ति भी रख सकते हैं, बड़ी मूर्ति भी आसानी से आ जाएगी यहाँ पर। अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए किसी भी तरीके की तो वो भी आप करवा सकते हैं, ऐसे इसका काम आपको चाहिए हो या फिर कार्विंग में कुछ चेंजेस चाहिए हो, डिजाइनिंग में चेंजेस चाहिए हो, तो वो भी आप आसानी से करवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉअर भी दिए जाते हैं। आइए अगले डिजाइन पर आते हैं हम, यहाँ पर ये बहुत ही शानदार एक और अगला डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साइडों में आपको छोटी छोटी स्लिप्स भी दी गई हैं जिससे कि आप यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियां भी रख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको एसएस का भी काम दिया गया है, एसएस का काम इस तरीके का शानदार काम बहुत ही कम देखने को मिलता है। साइडों में पिलर आप देखेंगे एलईडी का काम है, एलईडी के ऊपर आपको कार्विंग का काम किया जाता है, ऊपर भी कार्विंग का काम विद एलईडी, पूरा भरा हुआ मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। एक बार आकर देखिए, बहुत ही शानदार चीज आपको मिलेगी यहाँ पर। और किसी भी तरीके का मान लीजिए आपको ऐसे ही डिजाइन में छोटा मंदिर चाहिए हो तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर बनवा सकते हैं, अपने स्पेस के हिसाब से आप किसी भी तरीके से यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। साइड आप ये अंदर की तरफ देखेंगे, ओम पे जो काम किया गया है ये यहाँ पर एसएस का काम किया गया है, एसएस का काम भी बहुत शानदार बहुत ही बारीक काम किया गया है। और ये अगले मंदिर पे आते हैं, यहाँ पर ये इनका अगला मंदिर बहुत ही शानदार, ये देख सकते हैं यहाँ पर इनले का काम किया गया है जो कि मोरपंख बनाए गए हैं इनले से, बैक पैनल बहुत ही बढ़िया लग रहा है वाकई में, बहुत ही शानदार एकदम फ्रेश मंदिर, एकदम फ्रेश डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रॉर्स भी दिए गए हैं, यहाँ पर ट्रे भी दी जाती है, बहुत ही मतलब स्पेस पूरी तरह से यहाँ पर कवर किया जाता है जिससे कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर, बहुत ही अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, हर किस्म से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कार्विंग का काम देखेंगे तो कार्विंग के काम में इनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता, इतनी शानदार फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इनके हम आपको आगे भी दिखाएंगे जो कि इनका मशीनों पर कैसे काम किया जाता है, और पूरी फैक्ट्री विजिट भी करवाएंगे। बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे आपको डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार इतना बड़ा मंदिर माता शेरावाली का, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही शानदार। यहाँ पर भी आप साइडों में देखेंगे स्लिप दी गई है, यहाँ पर ये एक दो तीन, तीन यहाँ पर स्लिप दी गई है और तीन स्लिप यहाँ दी गई है। छोटी छोटी मूर्तियां आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं और नीचे भी मूर्ति रख सकते हैं। स्टेप्स दिए गए हैं, अगर आपको स्टेप्स यहाँ से हटवाने हैं तो वो भी हट जाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा कम्फर्टेबल मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। आपके हिसाब से, आपकी इच्छा के अनुसार जैसा आप मंदिर बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा। अगर आपको इसमें यूवी प्रिंट चाहिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये कार्विंग की गई है, माता शेरावाली की फोटो को घेरा गया है, इसी के अंदर आपको यूवी प्रिंट के साथ चाहिए हो तो यूवी प्रिंट में भी मिल जाता है। मैं अगला मंदिर दिखाऊंगा यूवी प्रिंट के साथ आपको, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा मंदिर और बहुत ही शानदार मंदिर, वाह बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर अगला मंदिर देखेंगे हम, बहुत ही बढ़िया जी, यूवी प्रिंट के साथ। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर रहने वाला है, पीछे शिवलिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरा यूवी प्रिंट किया गया है,
यूवी प्रिंट का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा जो इमेज होती है उसकी बहुत ही निखर कर आती है, उभर कर आती है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रिंट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ गुंबद कितना प्यारा लग रहा है और एलईडी वर्क के साथ काम किया गया है, और यहाँ पर कार्विंग है, यहाँ पर कुछ भी आप लिखवा सकते हैं, कोई मंत्र लिखवा सकते हैं यहाँ पर, या सतिया है, ओम है, कुछ भी यहाँ पर बनवा सकते हैं। यहाँ पर साइडों में भी आप देख सकते हैं जो इनके पिलर्स हैं, पिलर्स पर भी आप कार्विंग का काम देख सकते हैं, शुभ लाभ कुछ भी लिखवा सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप्स पे भी काम किया गया है। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर काम करवाना चाहते हैं तो आप, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है इनकी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है। आप किसी भी तरीके से यहाँ मंदिर बनवा सकते हैं, बहुत ही शानदार मंदिर लग रहा है ये। और अगले पर आते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर सिख भाइयों के लिए बहुत ही शानदार एक मंदिर तैयार किया गया है गुरु नानक जी का, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जो कार्विंग है इसमें अगर आप एलईडी वर्क का काम करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। और नीचे की तरफ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एसएस का काम किया गया है, एसएस का काम ऐसा किया गया है कि बहुत ही अच्छा उभर के आ रहा है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे नीचे ड्रॉर्स भी दिए गए हैं, और यहाँ पर जो मूर्ति है या कुछ भी है आप आसानी से रख सकते हैं, जो ग्रंथ साहिब है वो भी यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। और आप ये देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया एकदम मतलब फिनिशिंग ऐसी ऐसी है जो आपको कहीं और देखने को मिलेगी ही नहीं, इतनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ यहाँ पर काम किया जाता है। ये देख सकते हैं जी बहुत ही बढ़िया बढ़िया एकदम मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, सिख भाइयों के लिए बहुत ही शानदार तोहफा रहने वाला है ये। ये देख सकते हैं एसएस का काम किया गया है, एलईडी का काम, यानी कि बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग की गई है यहाँ पर। अगर आपको इसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए हो तो वो भी आसानी से हो जाते हैं। अगले मंदिर पर आते हैं, यहाँ पर ये अगला मंदिर जो है आपका गेट वाला रहने वाला है, गेट वाला मंदिर इस तरीके से रहेगा। ये देखिए यहाँ पर ये अंदर भी हो जाता है, बहुत ही आसानी से अंदर हो जाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर डिजाइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर गणेश जी की फोटो है, गणेश जी की फोटो भी बहुत प्यारी लग रही है। अगर आपको इस पर यूवी प्रिंट करवाना हो जिससे कि ये और भी ज्यादा उभर के आएगी तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर करवा सकते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस सेविंग पूरी की पूरी है यहाँ पर, जिससे कि आप मूर्ति भी रख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे ट्रे दी गई है, ड्रॉज दिए गए हैं, जो भी छोटा मोटा सामान होता है मंदिर के साथ का वो आसानी से आप यहाँ पर रख सकते हैं। और अभी हम आते हैं अगले पर, यहाँ पर वॉल पैनल है, वॉल पैनल पे मतलब कि आप इतनी ह्यूज वैरायटी देखेंगे यहाँ पर, जो सैंपल है वो कम ही है। इनके जो फैक्ट्री आउटलेट है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको अलग अलग तरीके के वॉल पैनल देखने को मिल जाते हैं, तो मैं आपको अभी फैक्ट्री विजिट भी करवाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा शानदार अच्छे अच्छे यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। वॉल पैनल देख सकते हैं आप, ऐसे इसका काम किया गया है वॉल पैनल पर, और यहाँ पर इले वर्क में भी काम किया जाता है वॉल पैनल पर। यहाँ पर ये यूवी प्रिंट में शिव जी का दरबार है, शिव जी का परिवार जो होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पर शो हो रहा है, राधा कृष्ण जी की हैं, और यहाँ पर एकदम नया डिजाइन इनका जो बनाया गया है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। ये कस्टमर की डिमांड पर इनका तैयार किया गया है, जो कि अभी यहाँ पर तैयार किया गया है, अभी अभी लगाया गया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा डिजाइन लग रहा है ये। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार आकर जरूर देखिए, आकर देखेंगे तब पता लगेगा इनको, आपको तब पता लगेगा कि बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पर हैं, और आप अपने हिसाब से नए नए डिजाइन जैसे आपको चाहिए, मान लीजिए आपने कोई नेट पर देखे हो या फिर आपको जो पसंद हो या फिर आपने कहीं पर भी देखे हो, तो आप यहाँ पर उनको लाकर बनवा सकते हैं। किसी भी तरीके का साइज हो, किसी भी तरीके से आप छोटा बड़ा कुछ भी करवाना हो तो आसानी से यहाँ पर बन जाता है। ये अगला मंदिर देखेंगे, काफी बड़े साइज का मंदिर रहने वाला है ये, बहुत ही शानदार मंदिर ये देख सकते हैं आप, काफी बड़ा मंदिर रहने वाला है, तो काफी अच्छी डिजाइनिंग के साथ काम किया गया है। इसकी जो पिलर्स हैं पूरे तरह डिजाइनिंग वाले हैं, आप देख सकते हैं अलग 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 शेप में आपको पिलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर एलईडी लाइट भी लगाई गई है, और इसका बैक पैनल देखेंगे, बैक पैनल पर भी यहाँ पर जो ओम लिखा गया है साइडों में डिजाइनिंग की गई है वो भी पूरी तरह कार्विंग है। ये देख सकते हैं आप बहुत ही शानदार डिजाइन, अच्छे अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा का पूरा शोरूम है यहाँ पर, आप आकर देखिए, और भी अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पर आते रहते हैं, बनते रहते हैं, कस्टमर की डिमांड पर जो आते हैं उनकी मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। आप देखिए वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप भव्य मंदिर, एकदम बहुत ही शानदार फोटो लगी हुई है लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, ऊपर जो थीम दी गई है वो है राम मंदिर की, बहुत ही अच्छा गुंबद बनाया गया है राम मंदिर का, बहुत ही शानदार एलईडी वर्क के साथ कार्विंग के साथ काम किया गया है। आपको इसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए हो तो वो भी आसानी से हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा मंदिर देखने को मिल रहा है ये, बहुत ही बढ़िया जी। नीचे देख सकते हैं कमल की थीम दी गई है यहाँ पर, ये कमल की थीम बहुत ही शानदार अच्छी लग रही है। साइडों में मोर देखने को मिल रहे हैं वो ही पूरी कार्विंग के साथ। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके का मंदिर चाहिए होना तो एक बार ही जरूर आइए यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ कोरियन मंदिर में डील की जाती है, कोरियन मंदिर में आपको किसी भी तरीके से आपको कुछ भी लेना हो तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों ये अगला मंदिर बहुत ही शानदार अलग डिजाइन का रहने वाला है, बिल्कुल ही वाह, बहुत ही शानदार राम दरबार में इतना बड़ा मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया जी। और पूरी तरह यहाँ पर आपको स्पेस सेविंग दी गई है, किसी भी तरीके से आप मूर्ति रखना चाहते हैं यहाँ पर सेंटर में, साइड में, इधर उधर कहीं भी
तो आपको काफी बड़ा स्पेस दिया गया है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर आपको ट्रे दी गई है, यहाँ पर ड्रॉर दिया गया है, और साइडों में आपको यहाँ पर ड्रॉर के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी में काम किया गया है, जो कि कलर्स आपको बनाया गया है यहाँ पर दिख रहा है आपको। और ये जो पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं यहाँ पर कार्विंग में और एलईडी वर्क के साथ, आप देखेंगे यहाँ पर जो मेहराब दी गई है वो भी बहुत अच्छी डिजाइनिंग में दी गई है, और ऊपर देखेंगे आप इतना बढ़िया मंदिर, ये देखिए आप, बहुत ही अलग एकदम यूनिक पैटर्न लग रहा है मंदिर का ये। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा मंदिर, ये देख सकते हैं आप। इससे अगले मंदिर पे आते हैं अभी हम, इससे अगला मंदिर देखेंगे ये वाला, जो कि पिलर के बिना मंदिर है, और साइडों में यहाँ पर एक जाली लगाई गई है जो कि पूरे कोरियन की है, और नीचे भी यहाँ पर पूरी तरह स्पेस दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रे भी दी गई है और ड्रॉर्स भी दिए गए हैं। तो आप अगर आपको यहाँ पर एलईडी का काम करवाना चाहते हैं तो एलईडी भी लग जाती है यहाँ पर, आप किसी भी तरीके से कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो वो आसानी से हो जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर कुछ भी लिखवाना हो तो वो आप लिखवा सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वॉल पैनल भी दिखा रहा हूँ मैं आपको साथ के साथ, वॉल पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये राम दरबार की जो मैं आपके कह रहा था कि यूवी प्रिंट में, यूवी प्रिंट में इस तरीके से यहाँ पर उभर के आती है फोटोज, और किसी भी तरीके से आप कलर कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं, आपको कोई सा भी कलर लगवाना हो तो वो करवा सकते हैं। ये देखिए राधा जी कृष्ण जी की फोटो कितनी शानदार लग रही है। इसके बाद ये मंदिर देखेंगे, ये मंदिर स्टैंडिंग में है, स्टैंडिंग में ये मंदिर रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में। यहाँ पर भी राम दरबार है, यहाँ पर भी यूवी प्रिंट अगर आपको चाहिए तो यूवी प्रिंट भी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी, बहुत ही शानदार मंदिर लग रहा है ये, आप देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े ड्रॉर्स दिए गए हैं, पूरा स्टैंडिंग में मंदिर रहने वाला है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है साइज में, यानी कि लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई इसकी थोड़ी सी कम है, तो साइज इसका बहुत ही ज्यादा छोटा रहने वाला है, लेकिन लंबाई पूरी है, साइज पूरा है, ऐसा नहीं है कि छोटा रहेगा। आप एक बार आकर देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको पूरा शोरूम जो है विजिट करवाया है, बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये छोटे मंदिर भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको इन मंदिर में से कुछ पसंद है तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर कुछ और बनवाना चाहते हैं छोटे मंदिर बड़े मंदिर में तो वही बनवा सकते हैं। ये देखिए आप अगर पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं अपने किसी भी इष्ट देव का या फिर अपने किसी बड़े बुजुर्ग का, तो इस तरीके से आप बनवा सकते हैं, बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर और भी मंदिर दिए गए हैं, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर रखे गए हैं वही आपको लेने हैं, अपने हिसाब से डिजाइन लाइए, अपने हिसाब से डिजाइन बनवा सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा शोरूम रहने वाला है, आप यहाँ पर आइए शोरूम को देखिए, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवाइए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया, और यहाँ पर फिनिशिंग अपने हिसाब से की जाती है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आइए इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जो आपने शोरूम में मंदिर देखे हैं वो यहीं पर ही तैयार किए जाते हैं, आइए मैं इनको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ किस किस तरीके से यहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं। कुछ मंदिर यहाँ पर रेडी हैं, कुछ मंदिर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ किस किस तरीके से यहाँ पर रेडी किए जाते हैं। अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करवा सकते हैं आप, अपने डिजाइन लाकर भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका बहुत ही शानदार डिजाइन एक तैयार किया गया है, बहुत ही बढ़िया। आप अपने हिसाब से भी कोई से भी भगवान की कोई से भी आप किसी भी तरीके से आप डिजाइन अगर बनाना चाहते हैं, चाहे वो वॉल पैनल हो चाहे सीलिंग पैनल हो, आप कुछ भी बनवा सकते हैं। ये देखिए इनका बहुत ही शानदार मंदिर तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छा पैनल लग रहा है ये, बहुत ही बढ़िया। आइए इनका आगे प्रोसेस मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये तैयार मंदिर भी रखे हैं यहाँ पर कुछ, ये बहुत ही शानदार एलईडी के साथ यहाँ पर काम किया जाता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ और कार्विंग के साथ, कार्विंग की आगे मशीनें आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत ही शानदार बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये इनका एक और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये मंदिर तैयार किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नया डिजाइन है इनका, और ये यहाँ पर जो कार्विंग करके यहाँ पर जो आगे प्रोसेस किया जाता है वो रेडी करने के लिए, यहाँ पर कुछ ऐसे गम से चिपकाना हो या फिर कुछ अलग से सेटिंग करनी हो, ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के डिजाइन बना बना के तैयार किए गए हैं, जिसको मंदिर के अंदर पिलर के रूप में मेहराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फिनिशिंग के साथ चिपकाया जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ, टाइम लगकर काफ़ी अच्छा टाइम लगता है इसमें काम किया जाता है, और इनकी मशीनें जो हैं वो भी कई कई दिनों तक लगातार चलती रहती हैं। और कोरियन मंदिर में सबसे बड़ा आपको बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको हर तरीके का मंदिर कोरियन से रिलेटेड आपको बन जाएगा, आप किसी भी तरीके का कोरियन का काम यहाँ पर करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी पूरी शीट लाई जाती है और यहाँ पर ये इस तरीके से सेटिंग करी जाती है, काफ़ी टाइम लगता है, प्रोसेस काफ़ी लंबा रहता है बनाने का। एक और मंदिर यहाँ पर ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी बड़ा मंदिर और पूरा पूरा तैयार है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी मेहराब के साथ, बहुत ही अच्छी कार्विंग के साथ, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हैं ये इनका तैयार किया गया है, ऑन ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी अच्छी डिजाइनिंग के साथ।
ये देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बड़े हर टाइप के मंदिर, ओरियन की पूरी सीट रहती है यहाँ पर, जिससे कि छोटे बड़े हर टाइप के मंदिर यहाँ पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप मेहराब देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ मेहराब तैयार की गई है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। अभी इनको मंदिरों में लगाया जाएगा और जो अलग अलग टुकड़े कार्विंग करके बनाए जाते हैं उसको चिपका कर, उसको जोड़ कर अच्छे तरीके से पूरी फिनिशिंग के साथ लगाया जाता है। यहाँ पर ये पिलर देख सकते हैं, पिलर को पूरा का पूरा 360 रोटेट किया जाता है। इसकी भी अलग मशीन आती है जिसमें ये रोटेशन के साथ बहुत ही अच्छा फिनिशिंग दी जाती है इसके अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वुडन का काम, जो बेस आपको बताया मैंने, बेस तैयार किया जाता है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया आप देख सकते हैं। नीचे आपको देख सकते हैं ये कोरियन की जो सीट है और यहाँ पर ये जो कंपनी है आप टच कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास कंपनी रहने वाली है कोरियन मार्बल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि यहाँ पर ये तीन तीन मशीनें लगा रखी हैं, यहाँ पर कार्विंग होती है यहाँ पर और कई कई दिनों तक ये मशीन चलती है, जिस वजह से यहाँ पर ये बहुत सी फिनिशिंग आती है क्योंकि कम आरपीएम पे काम होता है तो इस मशीन इसको ज़्यादा चलाना पड़ता है और फिनिशिंग बहुत बढ़िया लेकर आते हैं इसमें। ये देख सकते हैं, मैं एक बार इसका दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। कई घंटे लगते हैं इसको और कई बार तो जो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं उसमें कई कई दिन लग जाते हैं एक एक मंदिर बनाने में। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अच्छी फिनिशिंग के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर कटिंग की जाती है और अलग अलग तरीके के मंदिर आपको यहाँ मिल जाएंगे कोरियन से रिलेटेड। बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर हैं कोरियन से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो। ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ, ये देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ काम किया जा रहा है। ये दिखा देता हूँ, बिट बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है इनकी, बहुत ही ज़्यादा बारीक बिट के साथ काम किया जाता है। वाओ बहुत ही ज़्यादा शानदार, किसी भी तरीके का डिजाइन बनवा सकते हैं आप। सबसे बड़ी खासियत ये होती है मैन्युफैक्चरर की कि वो आपको सब कुछ ओपनली दिखा सकता है कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको इनकी यूनिट पर लेकर आ गया हूँ जहाँ पर आप तसल्ली से अपना काम करवा सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ और बहुत ही ज़्यादा मतलब रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि जो ये प्राइस दे देंगे वो मार्केट में कोई भी नहीं दे पाएगा आपको। ये देखिए हर मशीन पे अलग अलग काम चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसमारी शायद आपको डिस्टर्ब हो रहा हो थोड़ा बहुत, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इनकी आवाज़ ही बता रही है कि ये कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ काम करती है मशीनें। यहाँ पर ये देखिए इनका नया डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। वाह बहुत ही शानदार, ये देख सकते हैं, मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार। आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं मंदिर की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। ओह वाह सो ब्यूटीफुल, नीचे आप देख सकते हैं ये वुडन का काम किया गया है, जो बेस बनता है वुडन का बनता है। यहाँ पर ये कार्विंग का पिलर्स हैं और पीछे की तरफ भी काफ़ी अच्छे मोर पंख का डिज़ाइन दिया गया है, ऊपर भी लिखा गया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर लाइटिंग का काम किया जाता है, एलईडी का काम किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के यहाँ पर पैनल बना बना के रखे गए हैं, इसके अभी पिलर्स बनेंगे, मेहराब लगेगी, पीछे बैक पैनल लगेगा, हर तरीके से यहाँ पर अलग अलग चीज़ों में फिनिशिंग दी जाती है। यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें फिनिशिंग ना मिल जाए, हर पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में आपको फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पर आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो आपको कोरियन मंदिर में तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बात है जी, एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप की यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इनका एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप चाहे तो इनके शोरूम में विजिट कर सकते हैं, इनकी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया में इनकी डिलीवरी रहती है, आप कहीं भी मंगवा सकते हैं।